स्थिति क्या है, जहाँ पर 1200 लोगों का ओपीडी हो और वहीं स्थानीय नेताओं को जो कांग्रेसी मतलब जो MLAs हैं उनको खुश करने के लिए गांव खोचों में ऐसे डॉक्टर्स को सर्जन को जहां सर्जरी के नाम पे इक्विपमेंट नहीं है, जहां एनेस्थीसिया के नाम पर एनेस्थीसिया देने के लिए नहीं है। आदर्श नगर स्थित सैटेलाइट अस्पताल में चिकित्सकों के खाली पड़े पदों को भरने की मांग को लेकर पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जानकारी देते हुए बताया कि 400 बेड जिला स्तरीय चिकित्सालय स्वीकृत प्राप्त संस्थान है, जिसमें इसके अलावा 60 प्री फैब्रिकेटेड बेड और 2 बेड वार्ड निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार वर्तमान संस्थान को 180 बेड की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। स्वीकृत पैटर्न के अनुसार इस संस्थान पर 100 बेड पर 23 और 150 बेडों वर्तमान पर 36 चिकित्सकों की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए, जबकि मात्र 19 चिकित्सकों जो राज्य सरकार द्वारा आदेशानुसार स्थानांतरण पद स्थान पर इस संस्थान पर हैं, जबकि 9 चिकित्सकों का पद स्वीकृत है। अतः संबंधित ज्ञापन पत्र के अनुसार 10 चिकित्सक अधिशेष हो रहे हैं, जिनका स्थानांतरण पदस्थापन इसी संस्थान में है, किंतु वेतन अन्य स्थान से आहरित किया जा रहा है। स्टाफिंग पैटर्न अनुसार इससे अधिशेष नहीं माना जाकर बाकी 14 पदों को स्वीकृति प्रदान कराने का श्रम कराएं। आज माननीय कलेक्टर साहब के हम समक्ष हम पेश हुए और मुख्यमंत्री जी के नाम पर एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के अनुसार राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय जो कि संभाग का एक बहुत बड़ा सप्लीमेंट्री हॉस्पिटल है, आदर्श नगर में स्थित है, विगत 3 दिन पहले एक आदेश जारी करके चिकित्सा मंत्री राजस्थान सरकार ने वहां से 10 डॉक्टरों का स्थानांतरण कर लिया, जो कि कतई अन्याय उचित नहीं है, क्योंकि 180 बेडेड का जो अस्पताल है उसमें मूलतः ही 36 चिकित्सक होने चाहिए पहली बात तो, जबकि जो एक CSC के आधार पर जो 9 चिकित्सकों की वहाँ अभी तक स्वीकृति है। और आप सबको मालूम है कि सैटेलाइट हॉस्पिटल ने कोविड के दौरान अजमेर की जनता की कितनी सेवा करी थी, तो उस कोविड काल को देखते हुए अपरिहार्य परिस्थितियों में जहां 1000 से 1200 लोगों का OPD रोज का हो, वहां पे मात्र 9 डॉक्टर किस प्रकार से काम करेंगे, और उसमें भी कोई सर्जन नहीं, उसमें भी कोई स्पेशलिस्ट नहीं, सब स्पेशलिस्टों के ट्रांसफ़र कर दिए और एक आदेश पारित कर दिया तुगलकी आदेश के अनुसार, बिना हकीकत को जाने, बिना वास्तविकता को जाने कि उस अस्पताल की मतलब स्थिति क्या है, जहाँ पर 1200 लोगों का OPD हो और वहीं स्थानीय नेताओं को जो कांग्रेसी मतलब जो MLAs हैं उनको खुश करने के लिए गांव खोचों में ऐसे डॉक्टर्स को सर्जन को जहां सर्जरी के नाम पे इक्विपमेंट नहीं है, जहां एनेस्थीसिया के नाम पर एनेस्थीसिया देने के लिए नहीं है, वह एनेस्थेटिक स्पेशलिस्ट को जहां नेत्र चिकित्सक को वहां भेज दिया, जहां नेत्र के नाम पर किसी प्रकार की कोई सुविधाएँ नहीं है वहाँ नेत्र चिकित्सक को, जहाँ पर सर्जरी के लिए कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं है वहाँ सर्जन को, तो मतलब किस प्रकार का मैनेजमेंट है सिर्फ और सिर्फ जनता को मतलब विधायकों को खुश करने के लिए किस प्रकार का, उसी संदर्भ में आज हम सारे स्थानीय जनप्रतिनिधि वार्ड नंबर 36 34 35 38 39 40 के सभी पार्षदगण इकट्ठे होकर हमारे जो माननीय विधायक हैं उनके मार्गदर्शन के अंदर हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया, और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो आदेश है ये निरस्त हों और यथावत और ज़्यादा डॉक्टर लगाए जाएं ताकि सैटेलाइट हॉस्पिटल सुचारू रूप से चलाया जा सके। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने पंचशील नगर अजमेर। संपर्क करें 7300303072 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार फाइसागर रोड अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार फाइसागर रोड अजमेर।